नमस्कार छात्रों, जो MA फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, मैं उन छात्रों को, मैं आनंद पांडे आज बताने वाला हूं उनके प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के महत्वपूर्ण और पहले कवि की चर्चा करने वाला हूं। और वो पहला कवि कौन है? चंद्रबरदाई हैं। आज मैं आपसे चंद्रबरदाई के जीवन पर चर्चा करने वाला हूं, उनकी जीवनी क्या है उसको मैं आपसे बताने वाला हूं। इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे और इनका प्रारंभिक जीवन कैसा बीता और इन्होंने कौन सी रचना की और इन्हें किन किन बातों के लिए जाना जाता है हिंदी साहित्य में, उसकी एक एक बात पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा और चंद्रबरदाई के जीवन परिचय को पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, चंद्रबरदाई का जो जीवन परिचय है वह इस प्रकार है कि इनके जन्म के विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1207 में 1207 विक्रमी संवत में और मृत्यु 1249 ईस्वी में हुई है। यानी ये पैदा हुए 1207 में और इनकी मृत्यु 1249 विक्रमी संवत में हुई। तो यदि हम सन निकालना चाहें तो इसमें से 57 साल घटा देंगे। तो देखिए, क्योंकि आदिकाल के जितने भी कवि हैं उनके विक्रमी संवत को ही पूछता है, उसमें सन नहीं पूछता है। तो विक्रमी संवत सन फिर भी हम कोशिश करके निकाल लेंगे कि 57 साल जब हम घटाते हैं तो हमें सीधे सीधे यह मिलता है कि 1168 ईस्वी, ठीक है, क्योंकि 1169 और 70 इस दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो हमें 1168 ईस्वी प्राप्त होती है। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ स्थानों पर आप 57 साल घटाएंगे और कुछ स्थानों पर 56। यानी जो कवि माघ महीने में, फाल्गुन महीने में और चैत्र महीने में पैदा हुआ है उसमें 56 साल घटाएंगे, और जो कवि चैत्र मास से लेकर के माघ मास तक पैदा हुआ हो उसे हम 57 साल उसमें घटाते हैं। तो देखिए, विक्रमी संवत में ही आप समझिए कि इनका जन्म समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1207 विक्रमी संवत और मृत्यु 1249 विक्रमी संवत बताई है। और इसके अलावा इनके जन्म के विषय में एक और विद्वान हैं, वो कहते हैं कि हर प्रसाद शास्त्री, वे क्या कहते हैं कि इनका जन्म जो है वह 1168 ईस्वी में हुआ। यानी 1168 ईस्वी में कौन बताता है? हर प्रसाद शास्त्री। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब है इनका जन्म? 1150 ईस्वी में। इसमें जब 57 साल आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1150 ईस्वी। तो 10 वर्ष का दोनों में जन्म के विषय में फर्क पाया जाता है। तो अगर पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ था, तो 1207 विक्रमी संवत में। मृत्यु कब हुई? तो 1249 विक्रमी संवत में। ये भी हर प्रसाद शास्त्री भी मानते हैं कि 1168 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इसके बाद इनकी मृत्यु 1204 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, मृत्यु का समय भी लगभग दोनों सेम मानते हैं। तो ये रही इनके जन्म की बात। अब फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके माता और पिता का नाम। तो देखिए, इनके जन्म के विषय में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनके जन्म का निर्धारण किया जाता है। तो अंतः साक्ष्यों में चंद्रबरदाई ने एक रचना लिखी है, पृथ्वीराज राशो नाम का ग्रंथ लिखा है। इनका यह ग्रंथ बहुत ही चर्चित रहा है, खास करके पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार
इनके पिता का नाम क्या था? मल्ल था। क्या था? मल्ल था। और माता का नाम क्या था? माता का नाम कर्पूर देवी था। अब देखिए, ये बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो इनका जन्म स्थान, क्योंकि लाहौर पंजाब माना जाता है, जन्म स्थान क्या है? लाहौर पंजाब है। और पंजाब में एक देवी थी, लाहौर में ही एक देवी थी, जालंधरी देवी। कौन थी? जालंधरी देवी थी। तो इन्हें जालंधरी देवी का वरदान भी बचपन में ही प्राप्त हो गया, जिस कारण से कि ये अदृश्य काव्य की भी रचना करने में अत्यंत ही सक्षम थे। अदृश्य काव्य से तात्पर्य क्या है? अदृश्य काव्य से तात्पर्य यह है कि बिना देखे ही बातों का चित्रण ये कर लेते थे। कि जैसे अगर किसी ने उस बात के संदर्भ में इन्हें बताया और कोई बोल रहा है और इनकी आंखें बंद हैं, तो ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की दूरी कितनी है और वह कैसा व्यक्ति है, जिस कारण से इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लगभग इसी समय के आसपास पृथ्वीराज चौहान का भी जन्म हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान के जन्म के बाद जब पृथ्वीराज और इनकी भेंट किसी संयोगावस्था वश हुई थी, कि जब दिल्ली दरबार में ये पृथ्वीराज चौहान रहा करते थे अपने नाना के साथ, तो वहीं चंद्र बरदाई भी पहुँचते हैं, अपनी बातों से पृथ्वीराज को प्रभावित कर देते हैं। तो पृथ्वीराज इन्हें अपने मित्र के रूप में अपने साथ रख लेते हैं। और इनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज जहाँ जहाँ जाते थे हमेशा चंद्र बरदाई को अपने साथ रखते थे, और प्रत्येक बात में चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को सत्य असत्य का ज्ञान कराते थे और युद्धादि करने के लिए प्रेरित भी किया करते थे। इतनी बड़ी प्रतिभा पृथ्वीराज चौहान के पास, सॉरी चंद्र बरदाई के पास थी, कि वे कम समय में ही इतने बड़े राजा के सबसे इष्ट मित्र बन गए थे। और इसके बाद ये भट्ट जाति के जगात गोत्र में उत्पन्न हुए थे। और चंद्र बरदाई ने दो विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम कमला था। पत्नी इन्होंने दो विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी का नाम कमला था और दूसरी पत्नी का नाम इनके गौरी था। ठीक है, पहली पत्नी का नाम कमला और दूसरी पत्नी का नाम गौरी था। और इन्हें 10 पुत्र पैदा हुए। तो 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: सूर, सुंदर, सुजान, सूर सुंदर सुजान, बल्ह बलिभद्र, केहरि बल्ह बलिभद्र, केहरि वीरचंद, अवधूत वीरचंद, अवधूत और गुहराज तथा अंतिम पुत्र इनके थे जल्हड़। क्या थे? जल्हड़। तो देखिए, 10 पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय इनके अंतिम पुत्र जल्हड़ थे। जब पृथ्वी राजराजों की रचना हो रही थी और एक बार युद्ध में गोरी से जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, तो चंद्र बरदाई भी अपनी पुस्तक की रचना का भार अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप कर चले गए थे। इस कारण से इनके जल्हड़ पुत्र से प्रेम की कथा का वर्णन मिलता है। और इसके बाद
पृथ्वीराज रासो के जो 10 समय हैं उनको पूरा करने का कार्य इसी पुत्र इनके जल्हड़ ने किया था। अब देखिए इनके इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। और इस ग्रंथ में 69 समय हैं। कितने समय हैं? 69 समय हैं। इसी 69 समय वाले पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना जाता है। अब इसके संदर्भ में यानी जो इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय और उसने जितनी लड़ाइयों को लड़ा है उन लड़ाइयों का विस्तार से वर्णन चंद्र बरदाई ने प्रस्तुत किया है। और पृथ्वीराज रासो इस प्रकार से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के 13 युद्धों का विस्तार से वर्णन हुआ है। और इन्होंने जितने विवाह किए हैं सभी विवाहों का ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कुल 18 विवाह किए थे। तो उन 18 विवाहों का वर्णन है और रानियों में 3-4 रानियों का विस्तार से वर्णन है इस ग्रंथ में। इंछनी, शशिव्रता, संयोगिता और पद्मावती। इंछनी, शशिव्रता, संयोगिता और पद्मावती का सबसे ज़्यादा वर्णन है कि सबसे ज़्यादा प्रेम पृथ्वीराज चौहान इन्हीं रानियों को किया करते थे। इस कारण से इनका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। अब इस ग्रंथ को लेकर विद्वानों में परस्पर जो मतभेद की बात है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि कुछ विद्वान हैं जो इस ग्रंथ को यह मानते हैं कि यह ग्रंथ पूर्णतः नहीं है, यानी सरलतम भाषा के रूप में आप समझें तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसकी कई प्रतियां कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। प्रथम संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें 1168 छंद हैं और द्वितीय संस्करण राजस्थान के अबोहर से प्राप्त हुआ है जहां हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। फिर इसके बाद एक और राजस्थान के अजमेर से प्राप्त हुई पृथ्वीराज रासो की प्रति है और फिर इसके बाद इसकी एक और प्रति लघुतम रूपांतरण के रूप में प्राप्त हुई है। तो इन ये जो 4 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं इनमें से कौन सा ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान का है यह मानना अत्यंत ही कठिन है। तो उसकी चर्चा क्योंकि पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं तो उन संस्करणों की चर्चा मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगा। देखिए छात्रों, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसका प्रथम संस्करण वृहद रूपांतरण वृहद रूपांतरण नाम से प्रकाशित हुआ था जिसमें 16,306 छंद थे और इसे प्रकाशित करने वाली संस्था थी काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। कौन थी? काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका थी। कौन पत्रिका थी काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका? वही पत्रिका जो काशी से निकलती थी और देवनागरी यानी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया करती थी। इस पत्रिका ने इस ग्रंथ की खोज करवाई और इसका प्रथम संस्करण वृहद रूपांतर के रूप में प्रकाशित किया और इसके बाद इसका द्वितीय संस्करण
द्वितीय संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो देखिए, द्वितीय संस्करण का नाम रखा गया माध्यम रूपांतर। क्या रखा गया? माध्यम रूपांतर। और यह इसमें कितने छंद थे? इसमें 7000 छंद थे। यानी पहले संस्करण में जो काशी से प्रकाशित हुई थी, काशी से प्रकाशित होने वाला पृथ्वीराज राशो ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में है। तो जो 7000 छंदों की लिखित प्रति जो प्राप्त हुई है वह कहाँ है? लिखित प्रति जो प्राप्त हुई है वह बीकानेर तथा अबोहर में सुरक्षित है। कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर और अबोहर में सुरक्षित है। अब फिर इसके बाद इसी ग्रंथ का पृथ्वीराज राशो का तृतीय संस्करण या इसका नाम रखा गया लघु रूपांतर जो प्रकाशित हुआ। इसमें 3500 छंदों में इस कहानी को, यानी पृथ्वीराज चौहान की कहानी को बताया गया है। और इसमें 19 समय हैं जिसकी प्रति कहाँ, इसमें कितने समय हैं? 19 समय हैं। इसमें कितने समय हैं? 69 समय हैं। प्रथम संस्करण में 69 समय, तृतीय संस्करण में 19 समय हैं। और इन ये प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? बीकानेर में। कहाँ सुरक्षित हैं? बीकानेर में पृथ्वीराज राशो के दो रूप प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद चतुर्थ संस्करण का नाम रखा गया है लघुतम रूपांतर। क्या रखा गया है? लघुतम रूपांतर। अब इस लघुतम चतुर्थ संस्करण के लघुतम रूपांतर में कितने छंदों में बात बताई गई है? तो देखिए, इसमें 1300 छंद केवल हैं। कितने छंद हैं? 1300 छंदों में बात बताई गई है। और इसे जो तीसरा संस्करण प्राप्त, चौथा संस्करण प्राप्त होता है वह लघुतम रूपांतर नाम से प्रसिद्ध है। और उसमें 1300 छंद हैं। इसे दशरथ शर्मा इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं और कहते हैं कि यही मूल पृथ्वीराज राशो ग्रंथ है। और कोई पृथ्वीराज और ऊपर के, चाहे प्रथम संस्करण हो, द्वितीय हो या तृतीय हो, इन संस्करणों में बहुत घालमेल हुआ है, बहुत मिलावट हुई है, ऐसी बात दशरथ शर्मा कहते हैं। नरोत्तम स्वामी जो हैं इस पृथ्वीराज राशो ग्रंथ को मुक्तक काव्य मानते हैं। चलिए, मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि प्रामाणिक कौन कौन विद्वान इस ग्रंथ को मानते हैं, कौन अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कौन पूर्ण प्रामाणिक मानते हैं। देखिए छात्रों, इसके बाद चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज राशो को कई विद्वान हैं वे कहते हैं कि यह ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है, और कुछ कहते हैं कि यह पूर्णतः प्रामाणिक है, कुछ कहते हैं कि अर्ध प्रामाणिक अर्थात संदेहास्पद है कि यह ग्रंथ कब लिखा गया या इसकी रचना कब हुई, उसके संदर्भ में परस्पर विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि मैंने आपसे चार बातों की रचना की कि इसके चार प्रतियां प्राप्त होती हैं। अब वो चार प्रतियां अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो इसके संदर्भ में जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि यह ग्रंथ दूसरे द्वारा लिखा गया है, इसमें मिलावट करके प्रत्येक क्षेत्र का जो कवि है वो अपने अपने अनुसार कहानी गढ़ने का कार्य करता है। तो सबसे पहले प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उसमें
सबसे पहले नंबर पर आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास यह बताते हैं कि यह ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिक है। फिर इसके बाद मिश्र बंधु इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। फिर इसके बाद आते हैं गारसादतासी। गारसादतासी वही अंग्रेजी विद्वान जिन्होंने स्टुअर्ट द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी लिखा है, वो कहते हैं कि यह ग्रंथ प्रामाणिक है। और कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन भी इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। और कौन विद्वान है जो इसे प्रामाणिक मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री और कर्नल टाड और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये क्या मानते हैं कि यह ग्रंथ प्रामाणिक है। भले ही रचना काल के गाल में समाहित हो गई लेकिन लिखी गई है चंद्र बरदाई द्वारा ही। पृथ्वीराज राजाशोक के संदर्भ में यह बात कहते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, गारसादतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, हर्ष प्रसाद शास्त्री, कर्नल टाड, विष्णु मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोतीलाल मीनारिया, कुंवर कन्हैया जू, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि, राधा कृष्ण इत्यादि विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह ग्रंथ प्रामाणिक है। अब इसकी रचनाओं में थोड़ा मेल जोल हुआ है, घाल मेल हुआ है, लेकिन लिखी गई है चंद्र बरदाई के द्वारा। इसके लिए इन्होंने एक अलग संवत की, क्योंकि सन ईस्वी में इस ग्रंथ में जो दिया गया है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस कारण से इन्होंने सन ईस्वी के लिए आनंद संवत की कल्पना कर दी। देखिए संवत के लिए जैसे तारीख जो होती है, तारीख देखने के लिए कई कैलेंडर हैं। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने तो ईसा सन का प्रचार किया, लेकिन हमारे यहाँ पहले विक्रमी संवत चलता था, शक संवत चलता था, फसली संवत चलता था, तो उसके अनुसार आनंद संवत की कल्पना की गई। और आनंद संवत की कल्पना करके मोहन इन विचारकों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। और फिर इसके बाद कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं कि यह पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है, इसमें आधी बातें चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई हैं, आधी बातें आगे के किसी कवि ने मेल कर दिया है इसमें, और बातों का घालमेल हुआ है। अतः आधी बातें चंद्र बरदाई की हैं, आधी बातें दूसरे की हैं। ऊपर के विद्वानों ने तर्क क्या दिया कि आधी बातें जो हैं तो चंद्र बरदाई ने स्वयं लिखा है कि पुस्तक जल्हड़ हाथ दे, कि अपनी पुस्तक जल्हड़ के हाथ में दे करके चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए गए थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चंद्र बरदाई जाते हैं तो निश्चित है कि उनके पुत्र जल्हड़ ने उसकी रचना की होगी। तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की बात को झूठा साबित करते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय हैं। और इसके अलावा मुनि जिन विजय के अलावा नितिन बिहारी अगर चंद्र नाहटा और दशरथ शर्मा का नाम लेते हैं कि ये जो विचारक हैं, इन सभी विचारकों ने ये बताया कि इस ग्रंथ में आधी बात चंद्र बरदाई की हैं और आधी बातें अन्य
किसी दूसरे कवि ने चंद्रबरदाई बन करके रचना की है। अप्रमाणिक मानने वालों में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास लिखा और विधेयवादी इतिहास लिखा। रामचंद्र शुक्ल के बाद हैं राम कुमार वर्मा। कौन हैं? राम कुमार वर्मा, जो एकांकी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। और कौन हैं? बूलर महोदय हैं। बूलर महोदय के अलावा मारिशन है। मारिशन भी इस बात का समर्थन करता है कि यह ग्रंथ अप्रमाणिक है, अर्थात इसमें बहुत सारी बातें, इसकी भाषा में उर्दू के शब्द कहाँ आ गए। जब मुसलमान आक्रमणकारी पहली बार सफल होते, जब वो आते और बसते, तब तो चंद्रबरदाई की भाषा में उर्दू फारसी के शब्द आते। लेकिन उनके आने से पहले ही इस ग्रंथ में कैसे मिल जाता है उर्दू फारसी का शब्द, और वो भी चंद्रबरदाई जैसे कवि में। इस कारण से इस ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई का नाम लेकर की गई है, लेकिन यह ग्रंथ सर्वथा अप्रमाणिक है। तो देखिए, अब इसके बाद इस ग्रंथ के बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात आप ये समझिए कि यह 250 पृष्ठ का, कितने पृष्ठों का, सॉरी, यह 250 पृष्ठों का, 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिस कारण से कि इसमें 69 समय हैं। 69 समयों में विविध युद्धों का वर्णन है, विविध बातों का वर्णन है। इस कारण से इस ग्रंथ की रचना में अगर कोई मिलावट की बात कही जाती है तो वह सही नहीं है। एकाक दो समय दूसरा कोई कवि लिखा होगा, नहीं तो चंद्रबरदाई ही कहते हैं कि मैंने अपनी पुस्तक की रचना का कार्य अपने 10वें पुत्र जल्लड़ को दे दिया है। इस कारण से इसमें कोई ऐसी बात आ गई होगी। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण 69 समयों में जो महत्वपूर्ण समय है, जैसे पहला समय इंछनी विवाह समय, मेवातो मंगल कथा पद्मावती समय कयमास वध, और कनौज समय इत्यादि बहुत ही चर्चित समयों में से एक हैं। किनविज समय, रेवा तट समय, ये भी महत्वपूर्ण समयों में से आते हैं। अब पृथ्वीराज रासों में युद्धों का वर्णन है। मुनि जिन विजय ने वातन प्रबंध संग्रह में पृथ्वीराज रासों के छंदों के आधार पर कहा है कि इस रासों की भाषा ग्राम्य प्रधान अपभ्रंश है। पृथ्वीराज रासो प्रथम विदेशी पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता जेम्स टाड हैं, कर्नल टाड हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का कार्य किया। बूलर महोदय कश्मीर की यात्रा पर गए और वहां से जयनायक भट्ट से पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की खोज की, तो इस ग्रंथ के वर्णन में और उसमें विरोधाभास मिला, जिस कारण से कि पृथ्वीराज चौहान की जो प्रसिद्ध रचना है, पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का प्रकाशन करने वाली जो प्रसिद्ध कृति है, वह अप्रमाणिक धीरे धीरे सिद्ध होने लगी। तो इस तरह की बात इस ग्रंथ के बारे में मिलती है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसके साथ साथ इस पुस्तक में श्रृंगार रस का भी पुट मिलता है। प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में मार्मिक रसों का सुंदर समायोजन प्रस्तुत किया है, और इस ग्रंथ के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र हैं, कहते हैं कि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, और इसके बाद किशोर शर्मा कहते हैं 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद कक्का नामक कवि जो है वो कहते हैं कि यह बिखरे छंदों का संकलन है, और इसके बाद इसकी भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि इसकी भाषा
डिंगल है और इसमें नाटक, व्याकरण इत्यादि का सुंदर संयोग आपस में मिल जाता है। विश्वनाथ मिश्र ने भाषा की दृष्टि से इसे भाषा का छमेलू कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी कथा को सुख सुखी संवाद के रूप में मिलने की बात बताई है कि जैसे सुख सुखी संवाद होता है, लेकिन कुछ विद्वान है इसकी कथा को कीर्ति कथा के रूप में मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि इस ग्रंथ में छप्पयों के राजा यदि कोई हैं तो चंद्र बरदाई हैं, जिन्होंने कि छप्पयों में इस ग्रंथ की रचना की है। अब डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वे कहते हैं कि हिंदी में राजनीतिक महाकाव्य यदि कोई है तो वह विश्वनाथ चंद्र बरदाई का है। एफ एस ग्राउस ने इन्हें हिंदी महाकाव्य का जनक कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध हैं, वे कहते हैं हिंदी साहित्य का चांसर यदि कोई है तो वो केवल चंद्र बरदाई ही हैं। और इसके अलावा छंदों का राजा डॉक्टर नामवर सिंह ने इन्हें बताया है। और इसके इन सभी आचार्यों ने वीर रस प्रधान काव्य के रूप में इस ग्रंथ की सुंदर योजना बताई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे की बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।